Assalamualaikum, this is your Muhammad Akil and welcome back in my channel Guru Blogs. जैसा कि आप सबको पता है मेरा जो चैनल है वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड रहेगा जो भी रहेगा, लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो होगा अनबॉक्सिंग होगा। ऐसी कोई प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग नहीं होगी, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मंगाए हैं अपने लिए, अपने यूज़ के लिए, उसकी अनबॉक्सिंग मैं करूँगा और उसका जो भी रिव्यू होगा वो आपको मैं बेहतर तरीके से दूँगा। ब्लॉगिंग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा लोगों के सवाल ये रहते हैं कि ब्लॉगिंग शुरू कैसे करें, कहाँ से करें, बजट क्या होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ब्लॉगिंग अगर आपको शुरू करना है तो आप बजट की चिंता ना करें। अगर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है तो आप कम बजट में भी वो सब चीज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको आज बताऊंगा बजट ब्लॉगिंग सेटअप। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, बजट ब्लॉगिंग सेटअप। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप 2500 से 3000 के बीच में भी अपना ब्लॉगिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। बहुत से लोगों की ये भी रहती है चिंता कि ब्लॉगिंग करें तो मोबाइल से करें या कैमरे से करें। अगर आपके पास एक बेहतर फ़ोन है जिसका कैमरा 16 मेगापिक्सल से ऊपर है, यानी कि अगर आपके पास 16 मेगापिक्सल का भी कैमरा है तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं बेहतर, जिस पर 1080 पर आपकी रिकॉर्डिंग हो सके तो आप बेहतर होगा। अगर आपके पास कैमरे का बजट नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन से करें, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं ट्राईपोड की भी ज़रूरत नहीं होती उनको, हाथ से करते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सही तरीके से करना है, मैं आपको जो रिकमेंड करूँ कि आप एक ट्राईपोड ज़रूर लें जिससे कि आप अपने फ़ोन को उस पर अच्छे से माउंट कर सकें, और एक माइक, वो कि मैं अभी आपको सब वीडियो में दिखाऊँगा। सबसे पहले ये माइक, ट्राईपोड, ये माउंट जिससे हम ये माउंट करेंगे। अभी हमें तीनों की ये अनबॉक्सिंग करनी है। ओके चलिए शुरू करते हैं। ये होया MM1 माइक। ये रहा बोया MM1 माइक। ये माइक और ये है इसकी डेड कैट, ये जो है विंड नॉइस के लिए होती है। इसमें जो आपकी जो हवा हुआ है इसका जो शोर, इसमें ये मोबाइल केबल, एक ये पाउच। अब हम इन सबको एक साइड कर देते हैं। देखिए माउंट है, ये मोबाइल के लिए है, इसमें जो है मोबाइल फंसाया जाएगा। ठीक है, ये क्वालिटी इसकी काफ़ी बेहतर है, सही है, काफ़ी बेहतर है। ये मोबाइल को पकड़ के रखेगा इससे कि मोबाइल आपका गिरेगा नहीं। तीसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट है हमारा इसके साथ ये, और इसके साथ है ये एक माउंट फ्री। काफी फ्लेक्सिबल है ये, इसे हम किसी भी तरह से बैंड कर सकते हैं। ये जो पेच है, ये स्क्रू जो है ये होता है कैमरे के लिए। ठीक है, हम इसको इस तरह से खोल देंगे, इसे हम खोल देंगे, हमारा जो है ये माउंट, ये जो इसकी चूड़ी है ये इसमें, अब ये हमारा हो गया तैयार। इस माउंट को जो है हमें इस पर लगाना है, इसके लिए इधर तो सुराख है लेकिन इसके लिए दूसरा माउंट आता है। अब वो मैंने मंगाया नहीं है, आप चाहें तो मंगा सकते हैं, लेकिन अब जो है मैं इसको इसी पे फिक्स करूँगा इस तरह से, ऐसे इसको मैं इस पर फिक्स करना है। इसके लिए हम थोड़ी MCL या LP की ज़रूरत पड़ेगी, हम यूज़
तो जैसा कि आपने देखा हमारा ब्लॉगिंग सेटअप तैयार हो चुका है, आपको मैंने उसके सिनेमैटिक शॉट भी दिखा दिए, बिल्कुल एकदम रिकॉर्डिंग के लिए रेडी है। और रही बात माइक की, माइक टेस्ट की, तो वो भी हमें पिक कर ले। अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं फ़ोन के इंटरनल माइक की, अब हम कनेक्ट करते हैं अपना बोया का एम, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जो आप सुन रहे हैं बोया M1 माइक से रिकॉर्ड की हुई आवाज़, कैसी क्वालिटी आ रही है ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा है। वैसे मेरे हिसाब से तो बजट में बहुत ही बढ़िया है कि आपका जो ब्लॉगिंग सेटअप इतने कम पैसों में तैयार हो सकता है, अगर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है कम खर्चे में। बाकी अगर आके आगे आपका काम अच्छा चलता है तो आप आगे और भी कर सकते हैं। और रही बात कैमरे की, तो आप फ़ोन से अच्छी ब्लॉगिंग कर सकते हैं अगर आपके अंदर करने का जज्बा है। तो आपको ये बजट ब्लॉगिंग सेटअप कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी सभी से गुजारिश है कि कृपया इस वक्त जो है हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, तो घरों में रहें, सेफ रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो गैदरिंग से बचें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ना जाएँ, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, क्योंकि इस वक्त हमारी आपकी जान पर खतरा है। तो घर में रहें, सेफ रहें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।